आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं, आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे कहिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा के चुनाव में 100 दिन में महंगाई कम करेंगे ऐसा वादा किया था? मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था? महंगाई कम हुई, महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी? भाइयों बहनों, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने वादा तोड़ा, उनसे नाता तोड़ोगे? हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे? भाइयों बहनों, और महंगाई के लिए ये क्या जवाब देते हैं, चिल्लाते हो? आप मुझे बताइए भाइयों, ये देश के राज करने वाले लोगों की ये भाषा होनी चाहिए? ये गर्मी होनी चाहिए? ये अहंकार होना चाहिए? क्या समझते हैं जनता को? यहाँ दिल्ली में एक बड़े बुद्धिमान नेता रहते हैं, बहुत बुद्धिमान है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। उन्होंने अभी मजेदार बात कही, उन्होंने कहा सब्जी इसलिए महंगी हो गई है, महंगाई इसलिए बढ़ी है, वो कहते हैं गरीब पहले सूखी रोटी खाता था, लेकिन अब गरीब दो दो सब्जी खाता है, इसलिए महंगाई बढ़ गई। आपके गले उतरती है बात में? आपको एक चीज समझ आती है? अब बताइए, ऐसे लोग देश चला रहे हैं, आपका क्या होगा? अब कल्पना करो, ऐसे नेता जो ये कहे कि दो सब्जी खाते हैं इसलिए महंगाई बढ़ी है,